had to collect a lot of food for the roosters. So, and the roosters' king used to come and take the food which was collected by the cats, and the roosters used to have it, have their fill, and enjoy it. But the cats disliked all this. They did not like to do all that hard work for the roosters. And the roosters always used to frighten the cats that the red, the fleshy part which they have on their head, there's fire in it. So if you don't give us the food, we will kill you. Once there was no fire in the cat's house, so she sent her daughter Fluffy, the kitten Fluffy, to go and collect some fire from the rooster's house. The rooster was fast asleep and the child Fluffy was afraid. So he just went and returned back empty-handed. He said, I cannot do anything, to the mother cat. Then mother cat came with twigs in her hand to light the fire and come with the fire. लग रहा सुबह हो गई क्या? पता नहीं क्यों सुबह होते ही भूख भी लग जाती है. कल शाम को खाए थे लेकिन लग रहा है हमारे सेवकगण नहीं दिखाई दे रहे हैं. They tried to light the fire, but तुम लोगों को पता था कि मैं मुर्गों का राजा रूस्टर, जगने से पहले ही मेरा भोजन यहाँ पे आ जाना चाहिए था. कहाँ रह गई अब तक? कल से आ जाएंगे, परसों से आ जाएंगे. याद रखना, अगर मेरे जागने से पहले और सोने से पहले भोजन मेरे सामने नहीं रहा तो ये देख रही हो ना, इसी आग में जला के भस्म कर देंगे. यहां जितने बैठे हैं कोई भी तुम लोगों की हेल्प नहीं कर पाएगा, सहायता नहीं कर पाएगा. कांपो मत, ले आओ, ले आओ. क्या बात है. अरे सबसे प्यारी व्यंजन का मेरा वो चींटी. अच्छा आज तो निकल गई सब दे करके, कल मिलाते हैं, मुंह बुलाते हैं और कहते हैं ले आओ भाई चींटी मेरा जो सबसे प्यारा व्यंजन स्वादिष्ट है, वो आज पता ही नहीं चला कहाँ रह गए. खैर मिलेगा कल, अब चलते हैं सोने, थोड़ा बहुत देखा जाएगा. लपी ले जाओ, ये रूस्टर सो रहा है, जाके लकड़ी जला के आओ, उसके उसमें आग है, जला के लेके आना बेटा. मैं मुझे क्यों भेज रहे हैं आप उधर? आप जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ, आग है, वो सो रहा है, उठेगा नहीं रूस्टर. धीरे से जाना, बचा के चले आना, जाओ. मैं चली जाती हूँ. अरे वो तो सच में सो रहे हैं. धीरे से दूर से कोशिश करती हूँ, लकड़ी जलेगी कि नहीं. अरे ये तो जल ही नहीं गई. थोड़ा और पास जाती हूँ. अरे ये तो अब भी नहीं जल रही. नहीं कुछ नहीं हो रहा. लकड़ी को एक दूसरे से रगड़ती हूँ. नहीं ये तो अब भी नहीं जली. मैं माँ के पास जा रही हूँ. माँ माँ लकड़ी तो जली ही नहीं. अच्छा ऐसा है, रुको मैं देखती हूँ. अभी वो सो रहा था रूस्टर ना? वो सो रहा है. ये तो नहीं जल रहा है. अच्छा मैं इसे टच करके देखती हूँ. ये झूठ बोल रहा है रूस्टर हम लोगों से. ये झूठ बोल रहा है. हमें इनकी बातों में
सिखाते हैं। रूस्टर तुमने मुझसे झूठ बोला, हम सबसे झूठ बोला, कोई आवाज नहीं है तुम्हारे में, झूठ बोलते हो, ये तो बिल्कुल ठंडा है। हम लोग दिमाग नहीं लगाए, झूठ ही तुम्हारी बातों में आ गए। राख कर दूंगा, माफ कर दूंगा। क्या झूठ है? ये लाल है, अभी दिखाता हूँ क्या है। ये इससे कुछ नहीं हो सकता, हम लोग तुम्हारी सच्चाई जान गए हैं। हमारी सच्चाई जान गए तो क्या कर लोगे? अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं राजा हूँ, मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। राजा पहले थे, अब राजा नहीं हो। तो अगर मैं राजा नहीं तो तुम भी मेरी प्रजा नहीं। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। मैं जहाँ हूँ वहाँ पर हूँ, अगर मुझसे कहते हो तो मैं ही भाग जाऊँ। So in this story, I think we get the knowledge that we should be having the critical thinking in us to analyze anything. Thank you.